नमस्कार, माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। माइंड पावर की इस वर्कशॉप में आपका स्वागत है। माइंड पावर के बहुत सारे टॉपिक मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में कवर किए हैं। इस वीडियो में मैं आपको माइंड पावर के चमत्कारों के बारे में कुछ बताऊंगा कि ये जो बहुत सारी बातें हमने द सीक्रेट मूवी में देखी है या फिर जोसेफ मर्फी की बुक में हमने पढ़ा है कि अवचेतन मन की शक्तियां कितनी असीमित होती हैं, कितनी अनलिमिटेड होती हैं और उनसे क्या-क्या अचीव हो सकता है। क्या आपके और हमारे जीवन में भी ये परिवर्तन आ सकते हैं? इस बात पर हमें एक बार अपने आप को पूरा भरोसा दिलाना होता है कि हमारे ही मन के अंदर उन इनफाइनाइट शक्तियों का भंडार भरा पड़ा है जो हम औरों के बारे में सुनते हैं। वो सारी शक्तियां हमारे अंदर भी हैं। हम भी उतने ही पावरफुल हैं जितने और लोगों के बारे में हम सुनते हैं या फिर जितना सच कहें। तो जो ऊंचे से ऊंचे चढ़े हुए लोग हैं उनके पास भी कुदरत की दी हुई सारी ताकतें उतनी ही होती हैं जितनी हमारे पास हैं। फर्क इतना है कि वो लोग इस बात को पहचान पाए हैं और हम पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर हम अभी भी कमजोर हैं तो अपने आप को इन शक्तियों पर भरोसा दिलवाने की बहुत जरूरत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कोट आपने पहले भी सुना होगा और ये इतनी पावरफुल चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि केवल मन का ही सारा खेल है। जितनी भी हमें जीवन में सफलता मिलती है, जितनी असफलताएं मिलती हैं, जितना ऊंचा हम चढ़ सकते हैं या जितना हम नीचा गिर सकते हैं, केवल केवल मन की बात है। मन की बात क्यों है? अगर आप इस बात को ठीक से समझ पाए, माइंड प्रोग्रामिंग की जो टेक्निक्स पहले मैं आपको बता चुका हूं, मैं एक बार आपको जस्ट एक लाइन में गो थ्रू कर रहा हूं, फिर मैं आपको इसकी पावर पर लेकर चलता हूं। माइंड प्रोग्रामिंग की डिफरेंट टेक्निक जो मैंने बाकी वीडियोस में कवर करी है, पॉजिटिव अफर्मेशन, सकारात्मक आत्म सुझाव, प्रेयर, प्रार्थना, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, सकारात्मक मानसिक तस्वीर बनाना, विजन बोर्ड, मेडिटेशन जिनमें कि थर्ड आई मेडिटेशन भी शामिल है, अल्फा सेट जिसमें मेन होता है रात को सोते समय भरपूर निद्रा लें, सुबह उठ उस और सोने से पहले पहले अपने अफर्मेशन को दोहराकर सोएं, सुबह उठते ही अपने अफर्मेशन को एक बार फिर से दोहराएं। अल्फा म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अफर्मेशन या अल्फा स्टेट में ले जाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। और योग निद्रा, ये आपको अल्फा स्टेट में यानी कि मेडिटेटिव स्टेज में या फिर कहें तो हिप्नोटिक स्टेज में ले जाती है, जहां से आप अपने मन की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। स्पिरिट माइंड एंड बॉडी का ये वीडियो, ये जो पिक्चर है, ये मैंने अगर आपको पहले शेयर नहीं किया तो मैं एक बार बताना चाहता हूं कि हमारी जो मेन पावर है, जो मेन ताकत है, वो तो हमारी सोल है, कॉन्शियसनेस है। अब कॉन्शियसनेस तो एक स्पार्क है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह, बिजली की तरह एक पावर है। अब बिजली जो है वो, जैसे बिजली हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन बिजली अपनी पावर को दिखाने के लिए, बिजली अगर एक वायर में से बिजली जा रही है तो उस वायर को देखकर हम कुछ कह नहीं सकते कि बिजली है या नहीं है। लेकिन अगर वही वायर अगर एक पंखे को कनेक्ट कर दी जाए तो वो अपनी पावर को, हमें पंखे के पंख घूमते हुए नजर आएंगे, क्लियरली पता चलेगा कि ये बिजली की पावर है। इसी तरह से अगर बल्ब में लगा दी जाए तो बल्ब की रोशनी वही बिजली की रोशनी बल्ब की रोशनी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारी जो सोल है वो उस तरह से एक इनविजिबल तत्व है जो हमारे अंदर है, जो मेन पावर है। बीच में है हमारे इमोशंस, थॉट्स, माइंड, जो बीच की
पावर है, जो कनेक्टिविटी है हमारी सोल और बॉडी के बीच में, वो हमारे थॉट्स की, हमारे माइंड की कनेक्टिविटी है। तो हमारे थॉट्स जो है वो हमारे सोल को और हमारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, थॉट्स का कॉम्बिनेशन को ही हम माइंड बोलते हैं। अगर थॉट्स ही नहीं है तो फिर कैसा माइंड, कहाँ माइंड, फिर कोई कोई मन नहीं होता। बिना तो थॉट्स की वजह से ही मन हमारा मन बनता है, जिसको हम मन कहते हैं। और सारा का सारा खेल जो है वो थॉट्स का है, विचारों का खेल है। तो विचारों से किस प्रकार से अपने आप को पॉजिटिव बनाया जा सकता है, आज मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। आत्मिक शक्ति जगाने के लिए आत्म सुझाव। जब भी मन की पावर की कुछ बात होती है, सबसे पहले हम अपना कनेक्शन उस सुपर सोल के साथ एस्टैब्लिश करते हैं, जिसको आध्यात्मिक भाषा में हम भगवान, परमात्मा, खुदा, अल्लाह कुछ नाम देते हैं। वो सुपर सोल के साथ जब तक हम अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करते, तब तक हम अपनी उस इनफाइनाइट पावर को नहीं जान सकते। यानी जिसको एग्जाम्पल से मैं अगर कहूं, जो मैं अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जाम्पल दे रहा था, उस एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं अपनी सोल को कहूं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जिस पावर हाउस से आ रही है, जिस पावर हाउस से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर आई है, उस पावर हाउस को हम परमात्मा या भगवान या खुदा कह रहे हैं। तो उसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है। यानी सबसे पहले हम अपनी इन मन मन की ताकत, मन के ऊपर जो अफर्मेशन लगाने जा रहे हैं, मन को मानसिक तस्वीर के द्वारा अगर हम कुछ देना चाह रहे हैं, कुछ बदलना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उस सुपर सोल के साथ कनेक्शन बनाना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आत्मिक शक्ति को बढ़ाने, जगाने के लिए आत्म सुझाव दिए जाते हैं। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश हूं, मुझ में वो सारी शक्तियां हैं जो मेरे अंशी परमात्मा में हैं। वो आनंद के महासागर हैं, मैं भी आनंद स्वरूप हूं। इस तरह से मैं जो जो पावर उनके पास है, वही वही पावर मेरे पास है। वहां इनफाइनाइट रूप में है और मेरे अंदर वही चीज छोटे रूप में है, लेकिन है जरूर। वहां पर वो चीज मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी है, लेकिन मेरे पास भी है जरूर। यानी अगर कोई डिफरेंस है उसके और मुझ में, तो केवल क्वांटिटी का डिफरेंस है, क्वालिटी का डिफरेंस नहीं है। एक बूंद में का अगर केमिकल एनालिसिस किया जाए, पानी की बूंद का, एक समुद्र में से पानी की बूंद ली जाए, उसका केमिकल एनालिसिस किया जाए, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर जो केमिकल तत्व मौजूद हैं, वो सिमिलर हैं जो कि सागर में थे। बस यहां पर क्वांटिटी कम है, सिर्फ इतना फर्क है। तो मेरे परमात्मा अनंत गुणों के स्वामी हैं और मैं भी गुणों का भंडार हूं। मैंने मेरे चेहरे पर सदा आनंद की झलक मिलती है। मैंने स्वयं को उस विराट के आगे समर्पित कर दिया है। ध्यान देना, ये भी समर्पण, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं जैसी परमात्मा की मर्जी, जैसी भगवान की मर्जी, आम भाषा में कहते हैं जैसी अल्लाह की मर्जी, हम आम भाषा में ये बात कहते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज जब हम मन की शक्ति की बात करते हैं, माइंड पावर की बात करते हैं, तब हमें अपना कनेक्शन उसके साथ एस्टैब्लिश करना पड़ता है। आप जितनी भी साइकिक हीलिंग की कुछ भी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रेकी है, जैसे चक्रा हीलिंग है, जैसे एंजल थेरेपी है, इन सारी थेरेपी, इन सारी हीलिंग का जो बेस है वो उसी सुपर सोल के साथ हमारी कनेक्टिविटी है। तो उस कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश कीजिए, उसको और बेटर बनाने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि परमात्मा के साथ मेरा रिश्ता कैसा है। मेडिटेशन आपको उसी सुपर पावर के साथ जोड़ता है। अगर
अगर आप अपने जीवन में मानसिक शक्ति के चमत्कार देखना चाहते हैं, रोज एवरी मोमेंट अगर आप देखना चाहते हैं, तो अपने आप को उस सुपर पावर से कनेक्ट कीजिए। थोड़ा मेडिटेशन करने की जो है आदत डालिए, जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको यहां दिखाया था। एक बार फिर याद दिला दूं, जैसे ही हम मेडिटेशन का मतलब होता है बीच में से माइंड की जो लेयर है ना, ये माइंड की जो लेयर दिखाई दे रही है, ये माइंड की लेयर बीच में से हट जाए। थोड़ी देर के लिए माइंड को हम साइड में कर देते हैं, केवल वहां पर जो सोल के हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। अब सोल को जैसा मैंने कहा, हम देख तो नहीं सकते अपने अंदर, लेकिन हम उसकी एनर्जी को फील कर पाते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, मन का जो क्लटर है, मन का जो विचारों का ढेर लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, उससे इतना ज्यादा हम उसमें उलझे रहते हैं, हम उस सोल की पावर को जान ही नहीं पाते, हम उस सोल के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते। इसलिए इसलिए कभी कभी मेडिटेशन में के द्वारा उस चीज तक पहुंचने की कोशिश करें जिसको थॉटलेस स्टेज कहते हैं, जहां पर कोई विचार नहीं होता, कोई मन नहीं होता, क्योंकि बिना मन के जो पीछे जो बचा रहता है वहां पर सोल रहती है, और सोल में इतनी जबरदस्त पावर आपको अंदर से मिलेगी, सारी नेगेटिविटी वहां पर हवा हो जाएगी। मेरे दूसरे मेडिटेशन के वीडियोस में जहां पर मैंने साक्षी भाव यानी विटनेस मेडिटेशन के बारे में बताया है, वो विटनेस मेडिटेशन में ये यही चीज समझाई जाती है कि थोड़ी देर के लिए मन को आप ये मान के चलो जैसे सिनेमा की स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर जो कुछ भी हो रहा है आप उससे डिटैच्ड हो, आप उससे अलग हो, स्क्रीन का पार्ट थोड़ी हो जाते हो आप। मूवी जब देखने जाते हो आप अपने आप को एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी तो बहुत आप एंजॉय करते हो उसको, लेकिन जो उस पात्रों के साथ सीन में मूवी में घटित हो रहा है वो आपके साथ घटित थोड़ी हो रहा है। वहां पे भी हम कई बार लोगों को रोता हुआ देखते हैं, बड़ी अजीब लगता है, बड़ी हंसी भी आती है, लोग किस तरह से अपने आप को उसके अंदर खो देते हैं। इसी तरह हम एज ए सोल हमने अपने आप को इस मन के विचारों के अंदर खो दिया है, तो कभी कभी उससे हट जाएं और अपने आप के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करें। यही आत्मिक शक्ति, यहां से अपनी आत्मिक शक्तियां जागनी शुरू होती हैं। तो उसकी मर्जी और मेरी मर्जी का मतलब यही होता है कि जो मेरे अंदर जो इस सोल है, मैं इससे डायरेक्ट कनेक्ट करूं। मन की मेरी जो बीच में उठापटक है, जो बीच में जो मन की लेयर है, मैं इस लेयर से कभी कभी हटकर अपने आप में से कनेक्ट हो सकूं, खुद को जान सकूं, एज ए सोल अपने आप को, अब एज ए कॉन्शियसनेस अपने आप को जान सकूं, तो मेरी सारी अंदर की पावर जागनी शुरू हो जाती है। मैं उन लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो वीडियोस मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, बहुत लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि सर आप समझाते हो, आपकी वीडियो देखकर 2-4 दिन असर रहता है, बाद में असर गायब हो जाता है। असर गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका हमारा जो मन है वो इतना पावरफुल है कि उस चीज के असर को मन मन की ऊपर ऊपर की लेयर तक रह जाता है, ऊपर की लेयर तक असर रहता है लेकिन अंदर तक नहीं जा पाता। अंदर तक जब तक आपकी सोल में वो ताकत नहीं आएगी, जब तक आपकी सोल इतनी पावरफुल नहीं होगी कि आपकी जो आपने संकल्प लिया उस संकल्प के अंदर पावर ही नहीं होगी, तो वो चीज लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। कोई भी मोटिवेशन जब तक आपके सोल लेवल तक नहीं जाएगा वो आपके अंदर ज्यादा टिक नहीं पाएगा। आत्मिक शक्ति जगाने के लिए, मतलब अपनी आत्मिक शक्ति, ध्यान दीजिए, उसमें हम मन की लेयर को हटा रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि बूंद सागर में समाई हुई है, जब हम कहते हैं बूंद सागर में समाई हुई है, माने मैं बीच में अपनी इच्छाओं को, अपनी थिंकिंग को, अपने विचारों को बीच में लाद नहीं रहा हूं। जो मेरी सोल है वो डायरेक्टली पावर हाउस से कनेक्टेड है, तो ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। अगर सचमुच आप मानसिक शक्ति का चमत्कार देखना चाहते हैं तो ये कनेक्शन जरूर एस्टैब्लिश कीजिए अपनी उस सुपर सोल के साथ। मुझे सभी के माथे पर उसी का प्रकाश दिखाई पड़ता है, यू नो दिस इज व्हाट इट हैपेंस। यू नो आप जब आप अपने आप को सोल ट्रीट करते हो तो सोल की तरह ही सारे फंक्शन करते हो। सारा दिन अभी तक जो हम फंक्शन करते हैं ना, वो अपनी बॉडी अपने आप को मानकर करते हैं।
और यही पर सारी गड़बड़ है, क्योंकि हम केवल बॉडी तो नहीं है ना, केवल बॉडी हम नहीं है, हम बॉडी के अंदर मन की बीच की लेयर है और उसके अंदर हम सोल हैं। वो वाला जब तक कनेक्शन, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं होती ना, हम असल में मन मन की पावर को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते। अभी क्या है, हम जैसे माने मूवी को, मूवी का हम हिस्सा बन चुके हैं, हम अभी जो मन की मूवी चल रही है हम उसी का पार्ट बन चुके हैं, तो उस केस में आप उसको एंजॉय नहीं करते। मूवी को अगर सच में एंजॉय करना हो तो उसको एज ए स्पेक्टेटर देखना चाहिए, एज ए दर्शक देखना चाहिए। अगर आप उसका पार्ट बन गए ना तो आप दुखी होगे, परेशान होगे। हीरो के साथ जो हो रहा है वो आपके साथ होगा, क्योंकि आप अपने आप को हीरो के साथ, हीरोइन के साथ, जिसके साथ भी हम अटैच कर लेते हैं, वो अटैचमेंट की वजह से प्रॉब्लम आती है। बस डिटैच होकर अगर हम उसको देखेंगे ना, तो पूरी मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, सही सही एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए सबके अंदर उसी का प्रकाश मुझे दिखाई पड़ता है, ऐसे मैं अपने मन को, मैं सजेशन देता हूं, अपने आप को सजेशन देता हूं, और सबके अंदर देखने से, प्रकाश देखने से मेरे अंदर भी प्रकाश जागने लगता है, मेरे अंदर की शक्तियां अब जागने लगी हैं। इसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, मुझे अपने भीतर से हर सवाल का जवाब मिल जाता है। जब मैंने मन की ताकतों की बात की, कहा कि मन आपका पर्सनल गॉड है, ध्यान दीजिए, अवचेतन मन जो है वो सीधा सीधा उस सुपर सोल से कनेक्टेड है। एक हमारा चेतन मन ऊपर ऊपर जो, हाँ, जो जिससे हम विचार करते हैं, ये हमारा चेतन मन करता है। जो अवचेतन है, जो गहरे में है, वो गहरा, जितना गहरा है वो सुपर सोल से कनेक्टेड है। तो उस कनेक्शन को समझने के लिए मेडिटेशन जरूर कीजिए। सुबह शाम अगर हम 20-20 मिनट भी लगा लें मेडिटेशन में, बहुत कुछ अचीव होना शुरू हो जाएगा। विटनेस मेडिटेशन वाला जो मैंने ऑडियो या वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, कहीं और से आपको गाइडेंस मिलती है, जैसे ब्रह्म कुमारीज का भी मैंने सुना है, वहां पर भी अच्छी ऐसे गाइडेंस मिलती है, और भी कहीं से आपको कुछ गाइडेंस मिलती हो, थोड़ी देर कोई भी ऐसा प्रोसेस करे जो आपको कुछ समय के लिए मन से पार ले जाए, थॉटलेस हो जाए आप, चाहे वो कोई भी मेडिटेशन हो, कहीं से भी फॉलो कीजिए, इस बात से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। मैं किसी भी धर्म के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ इस बात को समझाने से ही मेरा तात्पर्य है। मानसिक शक्ति पर विश्वास करना, विश्वास करना इस पावर पर जो, जिसको हम सुपर पावर कह रहे हैं, उस पर भरोसा आ जाए हमें कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसी का अंश हूं। अनफॉर्चुनेटली मैं अगर इस बात को भुला दूं तो बाकी सारी बातें फिर मुझे, मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं। अगर मैं इस एक बात को भूल जाऊं, मैंने एग्जाम्पल मैं कई बार देता हूं, एक राजकुमार है, राजा का बेटा है, वो किसी कारण से, राजा ने उसको अपने आप से दूर कर दिया है, या वो किसी वजह से खुद दूर हो गया है। अब वो दूर है तो अपने आप को वो हमेशा अंदर से तो वो जानता है कि वो राजकुमार है, लेकिन ऊपर से वो परेशान घूम रहा है, एक आम इंसान की तरह घूम रहा है, और छोटी 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 चीजों के लिए मोहताज हो रहा है। जब वो राजकुमार अपने आप को, अगर राज जब वो था, तो जो वो कहता था उसके क्षण भर में बात पूरी हो जाया करती थी, उसके कहने भर की देरी थी कि नौकर चाकर उसकी सेवा में खड़े रहा करते थे, आज वो एक छोटी छोटी चीजों को तरस रहा है। तो आज अब मैं अपने अपने आप को एज ए सोल समझते हुए जब ये बात समझा रहा हूं, तो इसमें मुझे क्या समझना है इससे, कि जब मैं अगर उस सुपर सोल के साथ कनेक्टेड हूं, तो उसकी जो पावर्स हैं वो मेरी भी पावर हैं। किसी कारण से मेरा उसके साथ अभी तक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा जो पिता, मेरा जो फादर है, जिसको ईसा मसीह ने पिता की तरह रेफर किया, या बाकी लोग अल्लाह, खुदा, गॉड, परमात्मा, हम जिस भी रूप में उसे मानते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक उसके साथ हमारा एक संबंध स्थापित नहीं हो जाता, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो जाती, उस मानसिक, उस चीज को हम पूरी तरह अपने यूटिलाइज, अपने जीवन में वो प्रकाश हमारे नहीं आ सकता। मानसिक शक्ति पर भरोसा बहुत जरूरी है।
अपने इस मेंटल पावर पर भरोसा जरूरी है, क्योंकि जब शुरू शुरू में इस चीज के बारे में हम बात करते हैं ना, माइंड पावर के बारे में, लोग कहते हैं जी ऐसा कैसे पॉसिबल है, मन की ताकत से ऐसा कैसे हो जाता है। जैसे हिप्नोटाइज कर देने से किसी को कहा जाता है कि आपके हाथ में जो रॉड है ये हॉट हो चुकी है, ये गर्म है, और उसका जिसका ऊपर हिप्नोटिज्म किया जा रहा है, हिप्नोटाइज जिसको किया हुआ है, वो उसका हाथ जलने लगता है। अब ये कौन सी पावर है? ये उसी के मन की शक्ति है। तो ये शक्ति पर लोग आमतौर पे भरोसा नहीं करते, कहते हैं ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड तो नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये फ्रॉड नहीं है, इस पर भरोसा कीजिए और इस पावर का इस्तेमाल कीजिए। आपके सबके पास एक कोहिनूर हीरा है, लेकिन हम उसको जान ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं वही कनेक्शन एस्टेब्लिश करने जा रहा हूं कि वो जो सुपर सोल है, जो सुपर पावर है परमात्मा, ये ब्रह्मांड है, वो मेरा मित्र है, मेरा माता, मेरा पिता है, और मुझसे प्रेम करता है। माने कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा दुखी रहे, तो ये एज ए मदर मैं उससे कुछ भी मांग सकता हूं, माँ मुझे ये चीज चाहिए, आई नीड दिस पर्टिकुलर थिंग, मुझे दीजिए। और आप भी सोच के देखिए, आप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, आप अपने बच्चे की जरूरतें पूरी करने के लिए उसको जो संभव हो सकता है आपसे, आपकी रेंज में जो भी चीज होती है आप उसके लिए जरूर करते हो। ये यूनिवर्स अगर आपका फादर या मदर है, वो आपके लिए ये सब क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। केवल उसके साथ एक प्यार का रिश्ता तो बनाइए, उसे अपना तो कहिए एक बार, उसे अपना तो कहिए, वो देगा, सब कुछ देगा। हम रूठ कर बैठे हुए हैं उससे, कहां से देगा वो? इसलिए मैं अपने मन में, ये ब्रह्मांड मेरा मित्र है या मेरी माता या मेरा पिता, जिस रूप में कहे, और मुझसे प्रेम करता है, लव्स मी। लव्स मी का मतलब सिंपल सा यही है कि उसकी जो प्यार है वो मेरे लिए है। मैंने अगर मैं कुछ जिससे मैं प्यार करता हूं उसके लिए मैं कुछ उससे अगर मांगता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है, और वो अगर मुझसे मांगता है, मेरे लिए भी कोई बड़ी चीज नहीं है उसको रिटर्न करना। इस रिलेशनशिप को समझने की जरूरत है। अब मैं अपने मन का 100% इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरा अवचेतन मन मुझे सब कुछ समझा रहा है, मुझे अपने जीवन का मकसद समझना है और पूरा करना है, मुझे जो मैं करने के लिए आया हूं वो मुझे पूरा करना है। मेरे आत्म सुझाव हमेशा मेरा साथ देते हैं, मेरे आत्म सुझाव, मेरे अफर्मेशन हमेशा मेरा साथ देते हैं, मैं उन पर विश्वास करूं या ना करूं, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके लिए भी अफर्मेशन देने पड़ते हैं अपने आप को भी। ये अफर्मेशन मैं आपको ये बता रहा हूं, सबसे पहले अपने अंदर ये अफर्मेशन देकर हम अपने आपके आपका भरोसा इस माइंड पावर पर पक्का करते हैं, उसके बाद हम इसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी विजुलाइजेशन और स्पष्ट होती जा रही है, जब मैं किसी चीज की मानसिक कल्पना करता हूं, जिसकी टेक्निक मैंने दूसरे वीडियो में समझाई हुई है, मेरी वो जितनी स्पष्ट होती है ना उतनी जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। तो मेरी विजुलाइजेशन और स्पष्ट होती जा रही है, मेरी प्रार्थना, प्रार्थना भी एक तरीका है उस सुपर पावर के साथ अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का। तो मेरी प्रार्थना जितनी ज्यादा प्रार्थना भावपूर्ण होती है, फीलिंग के साथ होती है और एकाग्रचित माने कंसंट्रेशन के साथ होती है, उतने बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो प्रार्थना भी अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का एक तरीका है, एक वे है। मैं हर रोज अपने आत्म सुझाव तीव्रता, यकीन और विश्वास के साथ दोहराता हूं। मैं हर रोज अपने आत्म सुझाव तीव्रता पूरी इंटेंसिटी के साथ मैं बोलता हूं, यस आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्यार करता हूं। ये अपने आप के ये इन अफर्मेशंस को फीलिंग देनी बहुत जरूरी होती है, इन अफर्मेशंस को पावर देनी पड़ती है। ये अफर्मेशंस काम करते हैं और हरेक के लिए करते हैं और जबरदस्त काम करते हैं, उसको फीलिंग देनी पड़ती है, उसको पावर देनी पड़ती है। इस तरह से अपनी सारी मानसिक शक्तियों का लगातार प्रयोग करते रहने से मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। इस तरह से आप अपने आप को ये अफर्मेशन देकर अपनी मानसिक शक्ति पर विश्वास पैदा करते हो। अपने जीवन का कंट्रोलर,
ये अपने आप को, अपने आप का, अपने जीवन का कंट्रोल किसी और के हाथ में ना देकर अपने हाथ में वापस लेना है। तो यही यहां पर कहा जा रहा है, इसके लिए अपने अफर्मेशन बनाए जाते हैं कि मैं अपने जीवन का आर्किटेक्ट मैं खुद हूं, अपने जीवन का डिजाइनर मैं खुद हूं, अपने जीवन का क्रिएटर मैं खुद हूं, और मेरे जीवन में वही होता है जैसा मैं चाहता हूं। तो मैं अपने जीवन का क्रिएटर हूं, मेरा जीवन किसी और के हाथ में नहीं है। जो बहुत सारे लोग इस गलतफहमी को पाल कर बैठे रहते हैं कि कोई किस्मत लिखने वाला है, कोई विधाता है, और उसने उनकी किस्मत में ऐसा लिख दिया, इसीलिए वो ऐसे हैं। इस तरीके से अपने आप को हेल्पलेस बनाकर, अपने आप पर दया करके सारी जिंदगी लोगों को दोष देते रहते हैं, स्थितियों को दोष देते रहते हैं, चीजों को दोष देते रहते हैं, खुद पर काम नहीं करते। माइंड पावर का पहला बेसिक कंसेप्ट यही है कि अपने आप को, अगर आप अपने जीवन में कुछ चेंज चाहते हो, तो सबसे पहले ये कहो कि आपके जीवन का आर्किटेक्ट आप खुद हो, कोई और नहीं है। अपनी किस्मत हम रोज लिखते हैं, हमारे विचार अंततः जो है धीरे धीरे हमारी आदतें बन जाते हैं, आदतें हमारा स्वभाव बन जाते हैं, स्वभाव से हम उसी तरह के कर्म करने लगते हैं, कर्म करने से अल्टीमेटली हमारा भाग्य बनता है। और ये पहले आज जो हम, अगर कुछ चीजें हमारे साथ बाय बर्थ हुई हैं, वो हमारा, उसको आप भाग्य कहना चाहो तो कह सकते हो, लेकिन मैं उसको कहता हूं कि हमारे पिछले कर्म है वो। माने आप एक सर्टन घर में पैदा हुए, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए या एक लो क्लास फैमिली में पैदा हुए, ऐसा पॉसिबल है, और वो आपकी किस्मत है, जिसको आप अगर किस्मत कहो, कहना चाहो तो कह सकते हो। आप उसमें पैदा हुए, वो आपकी किस्मत हो सकती है, क्योंकि वो आपके पिछले कर्मों का हिसाब किताब था। मैं उसको तब भी किस्मत मानने से इनकार करता हूं। चलो आपकी, हमारी भाषा को हम सेम कर लेते हैं, उसमें फर्क नहीं है। फर्क ये है कि वो गरीब हो, पैदा होना वो आपके बस में नहीं था, लेकिन गरीब अगर आप मरते हो तो सचमुच बहुत बहुत बड़ी फिर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी लॉस है आपके लिए, अगर आपने इस बात को ठीक से नहीं समझा तो। माने गरीब पैदा होना वो आपके बस में एटलीस्ट इस जन्म में तो नहीं था, वो आपके कंट्रोल से बाहर की बात है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो उसमें पूरा दोष आपका अपना है। तो अपने आप को ये मानना कि इस जीवन का कंट्रोलर मैं हूं, अपने जीवन का नियंत्रक, अपने जीवन का आर्किटेक्ट मैं हूं, मैं अपने जीवन को खुद लिखता हूं, मेरे जीवन में वही होता है जैसा मैं चाहता हूं, मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं, मैं सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स हूं, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव एनर्जी, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा पूरी तरह स्वस्थ है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा पूरी तरह रोग मुक्त है, स्वस्थ है, स्व में स्थित है। ध्यान देना, ये अफर्मेशन है अपने आप का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए। मेरे मन में केवल सकारात्मक यानी पॉजिटिव विचार ही आते हैं, मेरे मन में केवल पॉजिटिव विचार ही आते हैं, ऐसा करके भी आप अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हो, नेगेटिव विचारों से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे सफल बनाने वाले सभी गुण मेरे अंदर मौजूद हैं, ये विश्वास, ये भरोसा अपनी माइंड पावर पर कि मुझे जिस चीज ने सफल बनाना है वो सारे गुण मेरे अंदर मौजूद हैं, मैं जानता हूं कि मैं अत्यंत प्रतिभाशाली हूं, और इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं अपने आप को अफर्म कर रहा हूं, रीअफर्म कर रहा हूं, अपने आप को बता रहा हूं कि मैं अपने जीवन का आर्किटेक्ट खुद हूं। मेरे अंदर मौजूद रचनात्मक ऊर्जा से, द क्रिएटिव पावर जो मेरे अंदर है, मैं उससे और अधिक प्रतिभाशाली बनता जा रहा हूं। वो जो क्रिएटिव पावर मेरे अंदर है, उससे मैं और ज्यादा, मैं क्रिएटिव होता जा रहा हूं, उससे ज्यादा और मेरी प्रतिभा बढ़ती जा रही है, मैं गुण मेरे अंदर बढ़ते जा रहे हैं, मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ बहुत खुश हूं। ऐसा करके आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो। तो ये अफर्मेशंस आपको अपने जीवन का कंट्रोल देते हैं। अब इस तरह से मानसिक शक्ति से स्वास्थ्य की प्राप्ति, मानसिक, यही माइंड पावर के द्वारा स्वास्थ्य कैसे मिलता है, आप अपने आप को अफर्म करते हो, मैं स्वस्थ और बलवान हूं, मैं स्वस्थ और बलवान हूं,
मेरी ऊर्जा और जीवन शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये अफर्मेशन आप दे रहे हो अपने आप को। देखिए ये अफर्मेशन कैसे काम करते हैं, मैं आपको इसका बेस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरी ऊर्जा और जीवन शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ध्यान दीजिए, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो फील करें कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, वो लगातार बढ़ रही है। मेरा अवचेतन मन मुझे स्वस्थ होने के उचित साधनों की ओर लेकर जाता है। मेरा अवचेतन मन मुझे स्वस्थ होने के उचित साधनों की ओर लेकर जाता है। माने मैं अपने मन की पावर का मैंने फिर से भरोसा पूरा किया, जो पहले पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूं। अब वो अवचेतन मन सारे के सारे साधन आपको बताता है, जिससे आप आगे का अपना काम जो है वो अच्छे से कर पाओ, राइट? आप अपने स्वास्थ्य को पा पाओ। भरपूर स्वास्थ्य और कुशलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं माने कुछ लोगों के मैंने गलतफहमी सुनी है ये वाली बात, लोग जो कहते हैं कि मैं हम तो जी बीमारी तो मेरी जीवन में लिखी है, भाग्य में लिखी हुई है। मैं माफी चाहता हूं, मैं फिर उस बात को मैं एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ भी अपना भाग्य हम खुद लिख रहे हैं। भरपूर स्वास्थ्य और कुशलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा बर्थ राइट है। अगर बाय बर्थ मुझे नहीं मिला तो मुझे वो चीज क्लेम करनी है, मुझे मिलना ही चाहिए। आई शुड बी हैप्पी। मैं अगर संसार में आया हूं, मुझे संसार में नेचर ने, क्रिएटर ने अगर मुझे भेजा है, तो मैं भी स्वस्थ होने का पूरा हकदार हूं। आई एम जस्ट क्लेमिंग माई राइट, आई एम जस्ट क्लेमिंग माई राइट। मैं अपना हक ले रहा हूं, कुछ और नहीं, मैं अपना हक ले रहा हूं। मेरे बल, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए धन्यवाद। यहां पर आप परमात्मा के साथ अपना अगेन रिलेशन एस्टैब्लिश करते हो और उसका शुक्राना करते हो, सुपर पावर का कहते हो कि मुझे और अधिक, मुझे जो बल दिया, मुझे जो पावर दी है, मुझे जो हेल्थ दिया है, और मुझे लाइफ फोर्स, मुझे जीवन शक्ति दी है, उसके लिए धन्यवाद। मैं अधिक बलशाली और बेहतर महसूस कर रहा हूं, ज्यादा पावरफुल अपने आप को। मुझे अच्छी तरह अपना ख्याल रखना पसंद है। आई नो हाउ टू केयर फॉर माई सेल्फ, मुझे अच्छे से पसंद है। आप अपने अंदर ये चीज एस्टैब्लिश कर रहे हो बार बार कि मैं अपना ख्याल रखने की कोशिश करूं, एफर्ट लगाऊं। एफर्ट लगाऊंगा तो जरूर सफल होंगे, क्यों नहीं होंगे। मेरे मन, शरीर और आत्मा को संतुलन में लाने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। तो बेसिकली देयर इज ए हार्मनी दैट यू आर एस्टैब्लिशिंग बिटवीन योर माइंड, योर बॉडी एंड योर सोल। इन तीनों के बीच में जब हार्मनी है, आपस में दोनों तीनों सिंक में है, सिंक्रोनाइज है, तो उतना ज्यादा, जितना ज्यादा बैलेंस है, उतना ज्यादा हम अपनी लाइफ में अपने स्वस्थ स्वास्थ्य को पाते हैं। तो उसके लिए धन्यवाद आप परमात्मा को देते हो। अब इसी तरह से मानसिक शक्ति से बीमारी का इलाज, अगर आपको भगवान ना करे आपको कोई तकलीफ हो, लेकिन बीमारी तो होती है, जीवन का वो भी पार्ट है, तो ऐसे केस में पहले, ऐसा मैंने सुना या जाना है माइंड पावर के दौरान, कि बीमारियां पहले हमारे माइंड में पैदा होती हैं, उसके बाद फिर फिजिकली प्रोड्यूस होती है। वो सबसे पहले हमारे मन बीमार हो जाता है, जिससे बाद में हमारा शरीर बीमार होता है। आपने अगर ये वाली बुक जो है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िए। ये बुक है लुइस एल हे की, यू कैन हील योर लाइफ। मैं इस बुक का कोई स्पॉन्सर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये दिखा रहा हूं, क्योंकि इस बुक में आपकी माइंड पावर का आपकी बॉडी के साथ क्लियर कट रिलेशन बताया गया है। एक एक बीमारी के बारे में क्लियरली बताया गया कि कौन से थॉट से ये बीमारी पैदा होती है। इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं बस अपने आप को यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी ऐसे, आपको कोई, खुद को कोई तकलीफ, बीमारी हो जाए, या किसी और को, आपके किसी रिश्तेदार को भी कोई बीमारी हो जाए, तो उसको कैसे हील करना है, उसकी यहां पर ये प्रोसेस जो है यहां बताने की मैंने कोशिश की है। तो कैसे बताना है अपने आप को, कैसे बताना है, मेरे शरीर का हर अंग, हर कोशिका, हर नस, हर तंतु अब ठीक से काम कर रहा है।
कि मैं अपने आप को एस्टैब्लिश करता हूं। ये फेथ सबसे पहले अपने मन के अंदर मैं एस्टैब्लिश करता हूं, अपने अवचेतन मन को बोलता हूं कि मेरे शरीर का हर अंग, एवरी पार्टिकल, एवरी ऑर्गन मेरे शरीर का, मेरे अगर हाथ पैर पूरा बॉडी जो है, शरीर के अंदर के बाहरी अंग और अंदरूनी अंग माने आंखें और गुर्दे और जो है हार्ट और अंदर का पूरा जो ढांचा है, ये हर अंग परफेक्टली काम कर रहा है, ऐसा आप अपने आप को अफर्म करते हो। मेरे शरीर का हर अंग, हर कोशिका, हर नस, हर तंतु अब ठीक से काम कर रहा है। अगर आप अपने बारे में, अगर किसी और के बारे में भी आप माइंड पावर के द्वारा, क्योंकि माइंड पावर जो है, मन की जो वाइब्रेशन है वो टेलीपैथिक भी होती है, मन की ये भी एक पावर है, आप ये अफर्मेशन दूर से भी किसी को दे सकते हो, जिसको जो है लोग दूर से भी हील करते हैं, ऐसी बहुत सारी टेलीपैथी के द्वारा ऐसा पॉसिबल होता है कि आप जैसे डिस्टेंट रेकी भी, जिसको जैसे आपने सुना हो ये शब्द डिस्टेंस रेकी, तो डिस्टेंस रेकी यही होती है कि आप यहां से पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट करते हो और एक पर्टिकुलर इंसान की ओर रीडायरेक्ट करते हो उस फोर्स को, तो वो फोर्स अल्टीमेटली मतलब यहां से ट्रांसमिट हो रही है आपसे, वो यहां पर जो सुपर पावर यानी सैटेलाइट जो है, अगर मैं उसको सैटेलाइट की तरह कहूं, तो यहां से वो सैटेलाइट तक जाती है और ये सैटेलाइट दूसरी जगह उसको ट्रांसमिट कर देता है, उस पर्सन तक वो एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो उसका भी तरीका होता है, आप ये एक्सपेरिमेंट खुद ट्राई करके देख सकते हैं। किसी भी इंसान को जिसको इस लाइफ फोर्स की जरूरत है, जो बीमार है, उसको आप ये पॉजिटिव वाइब्रेशन देकर देखिए, या मेरे शरीर की बजाय उस पर्टिकुलर व्यक्ति का, उस पर्टिकुलर इंसान का जिसके बारे में आप उसको हील करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये इस तरह से ख्याल पैदा किया जाता है, ये थॉट पैदा किया जाता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का शरीर का हर अंग, हर कोशिका, हर नस, हर तंतु अब ठीक से काम कर रहा है, मेरे पूरे शरीर में स्वास्थ्य और हार्मनी यानी सामंजस्य लौट रहा है। अगर बीमारी थी, बीमारी का मतलब ही क्या है, बीमारी का मतलब है कि शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में या तो बैलेंस मिसिंग हो गया है, या फिर शरीर और मन में कुछ बैलेंस मिस हो गया है, या मन और सोल में बैलेंस मिस है, कहीं ना कहीं तो बैलेंस मिसिंग है, तो उसको आप री एस्टैब्लिश करते हो, उसको आप फिर से स्थापित करते हो, उस संबंध को आप बोलते हो कि दोनों की जो हार्मनी थी, दोनों की जो लिंक था, वो दोबारा से लौट रहा है, मेरे पूरे शरीर में स्वास्थ्य और सामंजस्य यानी बैलेंस लौट रहा है। पित्त वात और कफ का जैसे होता है आयुर्वेद में जो कहते हैं, इनका जो इम्बैलेंस होता है उससे बीमारियां पैदा होती हैं, तो इनका बैलेंस लौट रहा है, ऐसा आप इस्टैब्लिश करते हो अपने लिए या दूसरों के लिए। मेरे अवचेतन में खुद का उपचार करने की पूरी फोर्स है, पूरी ताकत है। कितने चमत्कार ऐसे हो चुके हैं, मैंने अगर आपको पहले कभी बताया हो, कैंसर जैसी बीमारियों का ट्रीटमेंट जो है, आंख की रोशनी लोगों की लौट आई है, इस तरह का ट्रीटमेंट, अपने आप को जो है अब जैसे गुर्दे में पथरी का ट्रीटमेंट, ऐसी ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट जो नॉर्मली बिना ऑपरेशन के वो चीजें नहीं हो सकती, लेकिन लोगों ने मन की पावर के द्वारा अपने आप को हील किया है। ये जो कैंसर वाली जो बात, तो मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, आंखों से तो नहीं देखी, लेकिन किसी ने मुझे बिल्कुल क्लियरली बताया कि यहीं दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में एक लेडी आई थी, उसको सेकंड दर्जे का, सेकंड लेवल का कैंसर था, और उसने कहा कि एक बार डिटेक्ट हुआ पूरी तरह से और कुछ टाइम के बाद वो जो है पूरी तरह हील हो गई, ही ठीक हो गई। जब उसे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या किया, देन शी टोल्ड द सेम स्टोरी कि मैंने जो है ऐसे किसी माइंड पावर की किसी किताब को फॉलो किया और अपने अंदर ये हीलिंग पावर जनरेट की, जिससे मेरे मेरा जो है वो हील हो गया। इट टुक सम टाइम, कोई एक आध दिन की बात नहीं है, जितनी बड़ी चीज है, बीमारी है, उसको री एस्टैब्लिश, अंदर की हार्मनी को री एस्टैब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगा, उसको करीब 3-4 महीने लगे, लेकिन कैंसर पूरी तरह हील हो गया। दैट्स द पावर, है ये ताकत है, सिर्फ आपको अपने अंदर से जगाने की जरूरत है।
मुझे पूरा ब्रह्मांड मुझे स्वस्थ रखने में मेरा साथ दे रहा है। अगेन जैसा मैंने पहले कहा कि ये ब्रह्मांड इसको अपनी मदर की तरह मानते हुए, अपने फादर या मदर की तरह मानते, जो आपको सबसे प्यार करने वाला जीवन का वो रहा है, तो ये मानते हुए कि अगर बच्चा बीमार है तो माँ को कहेगा नहीं कि माँ मुझे ट्रीट करो, मुझे ठीक करो, और माँ के पास पावर है। तो माँ के साथ जब जैसे ये रिलेशन एस्टैब्लिश होता है तो माँ से हीलिंग प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कौन सी माँ अपने बच्चे को प्यार नहीं करती, ये सिंपल साधारण सी बात है। ब्रह्मांड की वो जो माँ है, वो सुपर सोल जो है, वो तो सबकी अपनी है, तो ना वो सबसे ज्यादा कहते हैं प्रेम का महासागर है वो, तो क्यों नहीं प्यार करेगा वो, और क्यों आपको ठीक नहीं करना चाहेगा। तो प्यार का एक रिश्ता उसके साथ बनाकर देखिए, जीवन जो है खुशियों और आनंद से ना भर जाए तो कह दीजिएगा। परमात्मा की प्रेरणा से डॉक्टर मेरा सही इलाज करते हैं, क्योंकि उनको भी वही, जब कहते हैं कि जहां पर डॉक्टर भी कई बार हाथ खड़े कर देते हैं ना कि नाउ ओनली केवल दुआएं आपको बचा सकती हैं, अब दवा से नहीं काम चलेगा, अब दुआओं से काम चलेगा, वहां पर डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। और कितने ही जीवन में ऐसे चमत्कार हम लोगों ने देखे या सुने हैं कि डॉक्टरों की दवाएं जहां फेल हो गई, वहां पर सुपर सोल की ब्लेसिंग्स की वजह से कहीं ना कहीं से वो जो है सामने वाले की जान बच गई या वो बीमारी ठीक हो गई। ये है मानसिक शक्ति से बीमारियों का इलाज। ये इलाज आप हम सब कर सकते हैं, ये माइंड पावर हम सबके पास है। मैं सिर्फ आपको वो चीज याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो यहां पर। जीवन की खुशियां, अब देखिए जिसने ये जीवन दिया, जिसने हमें पैदा किया इस संसार में, अगर कोई क्रिएटर अलग है, उस क्रिएटर ने जब हमें यहां पर भेजा, क्या दुखी रहने के लिए भेजा होगा? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि कहते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि वो सत्चित आनंद है, माने वो अगर जो ब्रह्मांड है, जो परमात्मा खुदा अल्लाह जो भी जिस रूप में हम उसको मानते हैं, वो आनंद का भंडार है, द सोर्स ऑफ ब्लिस उसको कहते हैं, द सोर्स ऑफ ब्लिस। अगर वो सोर्स ऑफ ब्लिस है, वो आनंद का भंडार है, तो क्या अपने पार्ट एंड पार्सल को वो दुखी रखना चाहेगा कभी? नो। तो वो उन खुशियां जो हैं, आनंद जो है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम उसका पार्ट है ना। अगर वो ट्रुथ कॉन्शियसनेस और ब्लिस है, सत्चित आनंद है, तो हम भी तो उसी का ही अंश हैं, और हम अगर उसका अंश हैं, तो ये तीनों चीजों पर हमारा भी बर्थ राइट है, और हम अपना राइट सिर्फ क्लेम कर रहे हैं, कुछ बड़ी चीज नहीं मांग रहे, जीवन की सारी खुशियां मांग रहे हैं। सारा जीवन जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, ये वही खुशियों की मैं बात कर रहा हूं। मैं सदा मुस्कुराता हूं, ये मुस्कुराहट मेरी अंतरात्मा से आती है, जीवन की खुशियां मेरे पास हैं, आई हैव दैट। मेरी अंतरात्मा आंतरिक खुशी से भरपूर है, खुशी मेरा स्वभाव है, स्वभाव, इट्स माई बर्थ राइट, ये मेरा स्वभाव है, मैं अपना स्वभाव क्लेम कर रहा हूं। आनंदित रहना मेरा स्वभाव है, बाई डिफॉल्ट आई एम हैप्पी, आई डोंट नीड एनी स्पेसिफिक रिसोर्स टू बी हैप्पी। ये नहीं है कि मुझे गाड़ी मिलेगी तो मैं हैप्पी होऊंगा, मुझे कोई हंस के बात करेगा तो मैं हैप्पी होऊंगा, मुझे एक अच्छा बंगला होगा, इतना पैसा होगा तो मैं हैप्पी होऊंगा। नो, अगर मुझे हैप्पीनेस ही पानी है, तो खुशी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड दैट आई जस्ट क्लेम, मैं क्लेम कर रहा हूं अपना वो अधिकार। मैं प्रेम और खुशी का पात्र हूं, खुश रहना मेरी आदत है, खुश रहना मेरी आदत है, इट्स माई हैबिट, ये मेरा स्वभाव है। आदत से भी ज्यादा गहरा मुझे बोलना चाहिए, ये मेरा स्वभाव है, हमेशा लोगों के साथ अपनी खुशियां बांटता हूं। आई लव टू गिव इट टू पीपल, मैं लोगों को देना चाहता हूं खुशियां, क्योंकि खुशी का एक रूल है कि खुशी अपने आप के साथ जो है हमेशा बढ़ना चाहती है, आनंद हमेशा बढ़ना चाहता है, वो अपने अंदर कन्फाइन नहीं रह सकता, ये उसकी एक स्वभाव है। जरूरतमंद लोगों की सहायता करके मुझे बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि जब आप सोच के देखिए ना, एज ए मदर, मदर देखिए कि मेरा छोट बड़ा बेटा छोटे बेटे को अपनी तरफ से टॉफी दे रहा है, जो उसका पार्ट था वो भी अगर किसी को बांट रहा है, तो क्या वो मदर खुश नहीं होती? बहुत खुश होती है, वो आपको मल्टीपल करके देती है। तो एक बार देना सीखिए, देने की आदत डालिए,
क्योंकि कुदरत का एक रूल है, वो खाली जगह को बर्दाश्त नहीं करते। माने अगर मैंने यहां से हवा हटाई, तुरंत पीछे से आने वाली हवा इस सारी जगह को कवर कर देती है। अगर आपने खुशियां बांटी, तुरंत वो अपना सोर्स जो है वो आपके लिए खोल देता है और आपके लिए वो सारी खुशियां अवेलेबल हो जाती हैं, वो सारा आनंद आपके लिए सहज अवेलेबल हो जाता है। अपने दुखों में भी छिपी हुई खुशियों को पहचानना मुझे अच्छे से आता है। अब ये बहुत बड़ी चीज है, अपने दुखों के अंदर भी, क्योंकि हर दुख अल्टीमेटली, दुख का मतलब क्या है, कोई भी प्रॉब्लम अगर मेरी लाइफ में आई है, अल्टीमेटली वो एक चैलेंज है जो मुझे और ज्यादा पावरफुल बनाकर जाएगा। अगर कोई चैलेंज नेचर मुझे दे रही है, बस उसकी सही सही चीज को पहचानने की जरूरत है कि अगर नेचर ने मुझे कोई चैलेंज दिया है तो जरूर मेरा उसमें भला होगा। और ये बात आप भी अच्छे से जान सकते हैं, आपने जीवन का अनुभव आपके साथ है, जब जब कोई प्रॉब्लम आई है, जब जब कोई दुख आया है, उसके बाद जब आप उससे रिलीव हो जाते हो, जब आप उससे निकल आते हो, तब आप कितनी खुशी अंदर महसूस करते हो। किसी भी प्रॉब्लम से छूट जाने के बाद, निकल आने के बाद, उस प्रॉब्लम के बाहर आ जाने के बाद कितनी खुशी मिलती है। यानी कोई ऐसी लर्निंग आपको देकर जाती है जो आपके लिए आगे का रास्ता खोल देती है। दूसरों की सेवा से मुझे लॉन्ग लास्टिंग खुशी मिलती है, लंबे समय तक खुश रहने की मुझे वो मिलती है। जीवन की खुशियां जो है हमेशा बांटने में है, तो बांटते रहिए, खुशियां बांटिए, खुशियां ऊपर से बहुत दे दी जाएंगी। आत्म प्रेम, आत्म सम्मान, ये भी अपने आप से क्लेम हमें करना है, अपने आप के साथ प्रेम का संबंध स्टैब्लिश करना। जो लोग डिप्रेशन या नेगेटिविटी चीजों से घिरे हुए हैं, मैं उनको बार बार आत्म सम्मान और आत्म प्रेम वाले ऑडियो सुनने को बोलता हूं, अफर्मेशन सुनने को बोलता हूं, और हजारों लोगों में चेंज आया है। हजारों लोगों ने कहा है कि मेरी डिप्रेशन की प्रॉब्लम छूट गई है, मेरी डिप्रेशन की प्रॉब्लम ओवरकम हो गई है, सिर्फ वो अफर्मेशन को दोहराते रहने से। आई लव माई सेल्फ, जीवन से एक बार फिर से प्रेम संबंध, प्रेम एस्टैब्लिश हो गया है। आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ वंस अगेन, दैट्स द वे। यही चीज हम, मैं दोबारा से आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो अपने आप को के साथ जो प्यार है, उस संबंध को दोबारा एस्टैब्लिश कीजिए, अपनी एक सेल्फ इमेज को एस्टैब्लिश कीजिए अफर्मेशंस की पावर के द्वारा। मैं प्रकाश, प्रेम और शांति से भरपूर हूं। अफर्मेशन जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, वो कहते हैं मुझे अंधेरे में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो उस चीज का की काट बता रहा हूं, उस चीज को ओवरकम करने का तरीका बता रहा हूं कि मैं प्रकाश, प्रेम और शांति से भरपूर हूं। आई एम फुल ऑफ लाइट, लव एंड पीस। ये मेरी सोल के एट्रीब्यूट्स हैं जिसको मैं क्लेम कर रहा हूं, जिसको मैं क्लेम कर रहा हूं कि मैं इनसे भरपूर हूं। आई एम देयर, मैं अपने आप को हर कीमत पर प्रेम करता हूं। व्हाटसो एवर हैपेंस आई लव माई सेल्फ, व्हाट्सएवर हैपन। ठीक है, गलती भी हुई होंगी मेरे से, उससे मैं इनकार नहीं करता, मैं अपने आप को सुधारने के लिए भी वचनबद्ध हूं, लेकिन आई ऑलवेज लव माई सेल्फ। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र और प्रशंसक हूं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र और प्रशंसक हूं। कोई भी परफॉर्मेंस देते हुए कोई और मेरी तारीफ करे ना करे, अगर मुझे खुद को वो बात समझ में सही से आती है और मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है, देन आई से टू माई सेल्फ, ए गुड जॉब मैन, गुड जॉब, गुड जॉब। कोई बाकी कोई कहे या ना कहे, कोई और प्रशंसा करे या ना करे, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र हूं और अपना प्रशंसक हूं। आई एम द नंबर वन टू लाइक माई सेल्फ। अपनी पोस्ट जब डालते हो फेसबुक पे, लाइक सबसे पहले आप ही करते हो ना, तभी तो लोग लाइक करना शुरू करते हैं। यस और नो? ये सेम चीज आपकी यूट्यूब वीडियो के साथ भी होती है, यस और नो? तो इट्स द सेम थिंग, मुझे संपूर्ण नहीं बनना, मुझे केवल मैं बनना है। आई डोंट वॉन्ट टू बी परफेक्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू बी माई सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट टू बी परफेक्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू बी माई सेल्फ। बस ये सारा गेम है। मैं अपने आप को रोशन होने देता हूं, आई वॉन्ट टू बी मोर इन टू लाइट एंड लाइट। मैं अपनी विशेषताओं को सम्मानित करता हूं और दूसरों के साथ बांटता हूं। मेरे अंदर जो स्पेशलिटीज हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। मेरे अंदर जो स्पेशलिटीज हैं, जो नेचर ने मुझे दी हैं,
उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूं और दूसरों के साथ बैठता हूं। अगर मेरे को कुछ अच्छा दिया है तो मैं लोगों के साथ जरूर शेयर करता हूं। ये वीडियोस इसी फीलिंग का ही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं इसीलिए बांट रहा हूं क्योंकि इतना मिला है अंदर से कि वो देने का दिल अपने आप करता है कि क्या ना दे दी जाए, दे दिया जाए, क्या ना दे दूं। अगर मेरे पास कुछ अच्छा है, इट शुड बी गिवन टू ऑल। मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। आज मैं अपने आप को अपने भय से उच्चतर होने देता हूं। अपनी जो फियर्स हैं उसको ओवरकम करने के लिए मैं अपने आप को इतना ऊंचा उठा लेता हूं कि वो फियर जो है वो छोटे पड़ जाते हैं। मेरी विशेषताएं, विशिष्टताएं और प्रतिभाएं जो मुझे अनन्य बनाती हैं, उनके लिए धन्यवाद। अगेन, नेचर के साथ अपना रिलेशन एस्टैब्लिश करते हो। हर अफर्मेशन के एंड में आपको ये जरूर बोलना है। आप देखिएगा मेरे जितने भी अफर्मेशन मैंने बनाए हैं, अगर कोई गलती ना हुई हो तो मैंने लगभग हर अफर्मेशन के एंड में ये जरूर बोलता हूं कि ये जो मुझे पहले से आपने दे दिया है इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपका रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है उस माँ के साथ, मदर नेचर के साथ। इसके साथ मानसिक शक्ति से दौलत पाई जा सकती है। इसके अफर्मेशंस मैंने अलग से आपको पहले बताए हैं, एक दूसरे वीडियो में मैंने क्लियर किया है। मैं यहां पर दोबारा से उस चीज को एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, धन के प्रति अपनी नकारात्मकता खत्म करें। उस वीडियो में मैंने खूब डिटेल्ड में वो सारी बातें बताने की कोशिश की है, जहां पर हमारी जितनी भी मेंटेलिटी है, मेंटल ब्लॉकेज है पैसे के बारे में, उस मेंटल ब्लॉकेज को पहले हम खत्म करते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं अमीरी हमारा हक है। अमीरी का मतलब देखिए, आज भी अपने मन को याद करके देखिए, मैं जब भी अपनी माइंड पावर की, मनी अफर्मेशन, मनी की सेमिनार लेता हूं, मैं लोगों से पूछता हूं, अपने आप को बोल कर देखिए, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। अगर ये बात आप कहते हो, क्या दिल में कहीं चोट तो नहीं लगती, अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? उस नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, क्योंकि अमीर शब्द को यूजुअली हम लोगों ने किसी किसी तरह की नेगेटिविटी से जोड़ दिया कि अमीर लोग जो होते हैं वो कुछ और ही ब्रीड होते हैं, कुछ और ही कैटेगरी होते हैं, और मैं उनमें से नहीं हूं। ऐसा करके हमने अपने आप को एक सेपरेट आउट कर लिया उस ब्रीड में शामिल होने से। तो यहां पर आप अपने आप को अपना हक क्लेम कर रहे हो कि आई एम, दिस इज माई बर्थ राइट। जिस नेचर ने मुझे यहां भेजा है, उसने मुझे पैसा भी बाई डिफॉल्ट, इतनी मेरी नीड है, वो मुझे मिलना ही चाहिए। सिंपल सी बात है, कर्ज से मुक्ति। बहुत सारे दोस्त मेरे को फोन करके ये पूछते हैं, मैं कर्जे में दबा हुआ हूं, आप बताइए मैं माइंड पावर की टेक्निक से क्या इस कर्ज को ओवरकम कर सकता हूं। मेरा जवाब होता है, हां बिल्कुल कर सकते हो, और किया भी है, किया भी है। अभी मेरे पास कम से कम 250 लोगों के प्रूफ हैं, जो प्रूफ है। इससे पहले बाकी लोग तो फोन कर करके छोड़ देते हैं कि मैंने इस मनी अफर्मेशन की सेमिनार को, मनी पावर की सेमिनार को अटेंड करके मेरे अंदर कितना बड़ा चेंज आया है। मेरी धन के प्रति जो नेगेटिविटी थी वो खत्म हुई है, मुझे कर्जों से छुटकारा मिला है, जीवन में जो मुझे चाहिए था वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। कर्जों से मुक्ति संभव है। मैं आपको यही याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार फिर से अपने आप को याद दिलवाइए। और अपने एक सिंपल लाइन में कई बार बोलता हूं, सोने से पहले सिंपल दौलत, 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 पैसा, 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 इस तरीके से बस ये रटते रटते सो जाइए। सिंपल, ये करके देखिए आप, इट हैज वर्क फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू, जरूर काम करेगा। एक बार याद दिलाइए अपने आप को, वो पावर याद दिलाइए, पैसा, पैसा, पैसा। बस सबकॉन्शियस के अंदर एक फिगर फोटो जानी चाहिए, बस इसका काम है उस चीज की, तो आपकी तरफ लेकर आएगा। इसी तरह से आप कोई और नेगेटिव चीज दोहराकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। माने भूत प्रेत को अगर आप याद करके सोएं तो रात को पता चल जाएगा, सपने में अपने आप ही वो चीजें आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आप बीमारियों को याद करें, बीमारियां आकर खड़ी हो जाएंगी। स्वास्थ्य को याद करें, स्वास्थ्य आकर खड़ा हो जाएगा। मानसिक पावर्स को याद करें, वो पावर्स आपके पास आ जाएंगे। कुछ भी संभव है। अवचेतन मन की पावर इतनी जबरदस्त है, मैं आपको वही याद दिलवा रहा हूं कि आपकी पावर है, आप क्लेम कीजिए। ये कोहिनूर हीरा आपके पास है, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। आत्म सुझाव विजुलाइजेशन या प्रार्थना में आप इस तरीके से आत्म
ये अफर्मेशन आप दौलत के लिए दोहरा सकते हैं, पैसे के लिए दोहरा सकते हैं, मेरे पास आसानी से पैसा आ रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है, मेरे हर दिन मेरे लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, मेरे पास जीवन की हर सुख सुविधा है। हमारा मन पैसे को इतना नहीं समझता जितना सुख सुविधाओं को समझता है, कंफर्ट्स को समझता है, इसलिए ये सारी चीजें बतानी जरूरी है। दूसरे वीडियो को आप देखें, मैं ज्यादा डिटेल में यहां पर नहीं जा रहा हूं। अपने धन को मैं खूब एंजॉय करता हूं, उस धन का क्या लाभ जिसको एंजॉय करने वाला कोई ना हो। तो मैं अपने धन को खूब एंजॉय करता हूं, पैसे से मैं जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता हूं, अगेन द सेम थ्योरी रिटर्निंग बैक टू द यूनिवर्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया, माँ को खुश करने के लिए वो आपको करना जरूरी है। और ध्यान दीजिएगा, नो चीटिंग, बिकॉज इज वेरी शार्प, वेरी स्मार्ट, अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इतना देने के लिए मैं कुदरत का धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से मानसिक शक्ति से जीवन साथी को आकर्षित किया जा सकता है। जो लोग शादी नहीं हुई है, अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहते हैं, उनके लिए यह है, जीवन साथी के बारे में सोचिए और लिखिए, उसकी उम्र, स्वभाव, पर्सनैलिटी, बात करने का तरीका, ये मैंने अपने विजुअलाइजेशन वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है। मैं आपको यहाँ पर री एस्टैब्लिश करके बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। मेरा एक अफर्मेशन ऑडियो भी अवेलेबल है जीवन साथी आकर्षित करने के लिए। उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका प्रोफेशन कैसा है, उसकी सैलरी, उसकी लाइकिंग, उसकी डिसलाइकिंग, उसका ह्यूमर सेंस, ये सारी चीजें आप अपने अंदर पैदा करें, अट्रैक्ट करने के लिए, और नेचर का काम है आपके लिए राइट मैच ढूंढ कर लाना और ये मैसेज उस राइट मैच तक पहुंचाना। अल्टीमेटली वो सोल आपके करीब आ जाएगी और आप एक दूसरे को देखते ही पहचान जाएंगे कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं। एक तरीका है अपने सोलमेट को, परफेक्ट लाइफ पार्टनर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का। मेरे पास उसे देने के लिए प्रेम भरा दिल है, स्वस्थ शरीर है और सारी खुशियां हैं। मैं अपने आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करता हूं। इस तरीके से वो जीवन साथी आप अपनी ओर खींच सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। मानसिक शक्ति से अच्छा व्यवहार, जैसा मैंने पहले बताया कि हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, वो पहले से, वो सदा ही उस सुपर सोल की अगर अंश है, तो प्रेम, आनंद, लोगों के साथ खुशियां बांटना, लोगों की तारीफ करना, ये जो, और मानसिक शांति, ये सारे के सारे जो गुण हैं, ये हमारे अंदर नेचुरली हैं, ये नेचुरली हैं, और हम सब अच्छा बनना चाहते हैं। यस और नो, आप अपने आप से पूछ कर देखिए, क्या आप अच्छा नहीं बनना चाहते? क्या आप नहीं चाहते लोग आपकी तारीफ करें कि वो पर्सन जो है वो बहुत अच्छा इंसान है? सभी चाहते हैं, सभी अपने आप को गुणी जानना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि लोग उनकी कोई तारीफ करें, उनको बताए कि वो अच्छे हैं। और आपको कई बार बताने की जरूरत पड़ती है, बार बार आपको ये बात सामने वालों को याद करवानी पड़ती है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आपको अप्रिशिएट करना पड़ता है, और ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा गुण होता है। आप कहोगे कि तारीफ क्या रोज की चीज है, मैं कहता हूं कि तारीफ बिल्कुल ऐसे जैसे खाना रोज की चीज है, आप रोज खाना खाते हो ना जीने के लिए, बिल्कुल वैसे ही मन के को स्वस्थ रखने के लिए तारीफ भी रोज की चीज है। बिकॉज तारीफ करना माने अप्रिशिएट करना किसी चीज को, ये बताता है कि आप उस चीज को जब आप अप्रिशिएट करते हो, तो आप उसको ये बता रहे हो कि आपके अंदर ये गुण है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। आप जब किसी की तारीफ कर रहे हो किसी गुण के लिए, आप उसको उसको यकीन दिलवा रहे हो कि उसने जो जो एफर्ट उस गुण को पैदा करने के लिए लगाया है, वो सब वर्थ है। आप भी तारीफ चाहते हो ना, आप चाहते हो आप कोई भी अच्छा काम करो तो लोग आपकी तारीफ करें, ठीक वैसे ही बाकी लोग भी ऐसा चाहते हैं। एक बार इस चीज को अंदर से साइकोलॉजिकली आप समझ लेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका व्यवहार अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जो हमारे सेजिस ने, हमारे संतों ने भी ऐसी बात कही कि अपने आप को दूसरे की दृष्टि से देखकर देखो, जो वैसा व्यवहार लोगों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम उनसे अपने लिए चाहते हो, राइट? सिमिलर, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। जब आपको इस समझ में आ जाएगा, अगर आप तारीफ चाहते हो तो लोगों की तारीफ करो, उनको ये बताओ कि आप कितने अच्छे इंसान हो,
सबको ये याद दिलवानी पड़ती है। जानते तो हम सारे अंदर से हैं, हमारी सोल जो है ये अंदर से जानती है कि प्रेम, आनंद, खुशियां, ये मेरा स्वभाव है, पीसफुलनेस ये मेरा स्वभाव है। अब आपको याद भी दिलवाना पड़ता है, इसलिए मेरे मन में सभी हमेशा सभी के प्रति धन्यवाद का भाव रहता है, थैंकफुलनेस का भाव रहता है। जब आप ये मानते हो कि हर एक के अंदर जो है उसी सुपर सोल का ही एक अंश है, एक पार्ट है, वो भी मेरी तरह है, आप चाहते हो ना कि आपकी कोई, आप किसी के लिए कुछ फेवर करो तो वो आपका थैंक यू जरूर करे, चाहते हो ना? अपने लिए थैंक यू सुनना कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है। बेशक आप उसके बाद कर दो मेंशन नॉट इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन थैंक यू सुनना सबको अच्छा लगता है, कानों में मिश्री की तरह घुलता है थैंक यू। इसलिए लोगों के लिए वही थैंक यू आप कहना सीखिए। जीवन में एक इस शब्द को सही सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेंगे ना, बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ। दिल से थैंक यू कहिए, दिल से। इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा, अफर्मेशंस के लास्ट में, एंड में, जब हम अफर्म करते हैं, सबसे पहले उसको, उस परमात्मा को, उस नेचर को, सुपर पावर को हम बोलते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल लाइफ, ये खूबसूरत जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। सुबह उठते ही मॉर्निंग अफर्मेशन जब हम रिपीट करते हैं तो उसमें एक ये अफर्मेशन जरूर रहता है, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ एंड दिस ब्यूटीफुल डे, ये खूबसूरत जीवन देने के लिए और ये खूबसूरत दिन देने के लिए आपका शुक्रिया। उसको उसको बोला जाता है, थैंक यू बोला जाता है। इसीलिए आप सबसे पहले अपने लिए भी धन्यवाद का भाव जरूर लेकर आए, लोगों के प्रति धन्यवाद का भाव जरूर लेकर आए, और फिर आप नेक्स्ट ये कह सकते हैं, मैं हमेशा कमल के फूल की तरह मुस्कुराता रहता हूं। अब ये मेरा अपना वे है कहने का, आपको कोई और फूल पसंद हो तो आप कह लीजिए, समहाउ लोटस फ्लावर मेरी अपनी पसंद है, इसलिए मैंने ये अफर्मेशन अपने हिसाब से बनाया। आप उसको रोज भी कह सकते हो, आपकी मर्जी। माने जैसे फूल के अंदर एक मुस्कुराहट होती है, कैन यू सेंस दैट? आपको मुस्कुराहट दिखाई पड़ती है। और देखो एक फूल की मुस्कुराहट की एक खास बात क्या है, रोज को लेकर आप देखो, एक रोज, एक गुलाब जो है उसको आप कहीं रख लो, उसको आप एक गंदे नाले के पास भी रख लो, काफी देर रखे रखो, उठाओगे और उसको अगर स्मेल लोगे, क्या आपको उस ये पता चलेगा कि ये कभी गंदे नाले के पास रहा भी है? No. उसकी अपनी खूबसूरती, उसकी अपनी जो फ्रेग्रेंस थी वो तब भी बरकरार रहती है, दैट इज द पावर, वो तब भी बरकरार रहती है, उसकी अपनी फ्रेग्रेंस तब भी बरकरार रहती है। इसलिए वो अपने आप को, आप जो है, आप भी अपने आप को, हमें इसी प्रकार से अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करनी होती है कि मैं अगर फूल की तरह खिला रहता हूं, मैं गुलाब या कमल के फूल की तरह हमेशा खिला रहता हूं, इसका मतलब सिंपल सा यह है कि मैं किसी भी सिचुएशंस में अपनी, अपने आप को, मुझे रखा जाए किसी भी सिचुएशन में रखा जाए, मैं वहां की नेगेटिविटी नहीं लेता, रादर अपनी पॉजिटिविटी सदा बरकरार रखता हूं। तो आमतौर पे जो हम लोग कहते हैं, मैं क्या करूं, मुझे लोग गुस्सा दिलवा देते हैं, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। आप समझ के देखिए, आप ऐसे लोगों के बीच में रहे जो मान लीजिए गुस्सा दिलवाने वाले लोग हैं, अगर आपका स्वभाव ही शांत है अंदर से तो कोई गुस्सा आपको कैसे दिलवा सकता है? अंटिल अनलेस आपके अंदर गुस्सा है ही नहीं, गुस्सा कोई आपको कैसे दिलवा सकता है? नॉट पॉसिबल ना, कोई आपको गुस्सा दिलवा नहीं सकता। अगर आप गुस्सा नहीं होना चाहते, आप पहले उसे अलाउ करते हो, उसे अलाउ करते हो तभी वो आपको गुस्सा दिलवाता है, आप अपना रिमोट कंट्रोल उसको देते हो तभी वो आपको गुस्सा दिलवाता है, वरना आपकी मर्जी के बिना कोई आपको गुस्सा कैसे दिलवा सकता है? इसी तरह इसका मतलब क्या है, अगर मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, इसी तरह जो बाकी क्वालिटीज भी मेरे अंदर हैं, और वो क्वालिटीज अगर मुझे किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में भी रख दिया जाए ना, तो वो क्वालिटीज यू की यू बरकरार रहनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने गुलाब के फूल वाला जो एग्जाम्पल दिया, अगर मुझे किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में गुलाब के फूल को आप जो है थोड़ी देर के लिए किसी और बैड स्मेल वाली चीज के पास रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए,
उसके बाद अगर आप उसको उठाएंगे ना, उसकी अपनी जो स्मेल है, उसकी अपनी जो फ्रेग्रेंस है वो बरकरार रहती है, उसकी अपनी खुशबू बरकरार रहती है। ना इस तरीके से मैंने कहा यह अफर्मेशन अपने आप को दिया कि मैं हमेशा गुलाब या कमल के फूल की तरह हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। दैट्स माई स्माइल, दैट्स माई कॉपीराइट, वो मेरा अपना वे है। और आपकी स्माइल भी यूनिक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके सिग्नेचर, आपके हाथ के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो यूनिक होते हैं। नेचर ने, परमात्मा ने, भगवान ने आपके जैसे फिंगरप्रिंट ना अब से पहले किसी के बनाए और ना आज के बाद किसी और के वो बनाएगा। यू नो इट्स सच ए बिग थिंग। और इसी प्रकार से जैसे आपके फिंगरप्रिंट यूनिक है, आपकी स्माइल भी यूनिक है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। ये अफर्मेशंस आपको उस आपकी मुस्कुराहट को बरकरार रखने में आपकी मदद करेंगे। मैं अब अपने माता पिता का और अपने से बड़ों का आदर करता हूं। अच्छा व्यवहार, यू नो अब अपने आप को मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूं, अपने व्यवहार को मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूं, अपने से बड़ों का आदर, कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी का आदर, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का, अपने बॉस का, अपने सबॉर्डिनेट्स का। वैसे तो इसमें हमने बड़ों के बारे में लिखा है, पर मैं कहना चाहता हूं रिस्पेक्ट तो सबके प्रति, एज ए सोल सबके प्रति रिस्पेक्ट। एक छोटे बच्चे के प्रति भी आप रिस्पेक्ट दीजिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है एज ए पेरेंट्स हम एक बच्चे को समझते हैं कि वो छोटा है। अगर सोल कंसेप्ट को लेकर चलें, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, शरीर से बुद्धि से वो छोटा है, लेकिन एज ए सोल देखें हम सबकी उम्र एक ही है। कहते हैं कि जब से हम अपने सोर्स से जुदा हुए हैं, अलग हुए हैं, वो टाइम एक ही था, वो टाइम एक ही था, दैट वाज वन सिंगल टाइम एंड वन सिंगल मोमेंट। जब हम वहां से दूर हुए, तो उस एंगल से देखें हम में से कोई कहां गया, कोई कहां गया, अलग अलग हम डायरेक्शन में होकर आए हैं। फाइनली आज इस मोमेंट पे हम सबकी एज जो है, हमारी सोल की जो एज है वो एक ही है। इसलिए उसको छोटा ट्रीट नहीं करना, छोटे को छोटा नहीं कहना। कौन जाने वो छोटा कब बड़ा हो जाए, कितना बड़ा हो जाए कि आपको उसके आगे सर झुकाना पड़े, ये कोई नहीं जानता। इसलिए एज ए पर्सन रिस्पेक्ट करना, एज ए सोल रिस्पेक्ट करना। वो चाहे आज के समय में कितना एज में कम हो, आपके लेवल से कम हो, पैसे के हिसाब से, मनी के हिसाब से भी हो सकता है उसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत ना हो, जिसको आमतौर पे संसार गरीब करके ट्रीट करता है। कौन जाने किसके अंदर कितना पोटेंशियल छिपा हुआ है। हम सबके अंदर इनफाइनाइट पावर है, इसलिए ये जानते हुए कि सबकी जेब में वो कोहिनूर हीरा है, बस उसने यूज किया या नहीं किया, ऐसा पॉसिबल है। और इस वजह से कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आज उसके पास अगर कोई चीज वो नहीं हीरे का यूटिलाइज कर पा रहा, हमें वो लगता है कि वो गरीब है। कौन जाने अगर उसने कल को इस्तेमाल कर लिया तो, और कितनी पावर उसके पास हो सकती है हमें कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए उसको एज ए सोल ट्रीट करते हुए सबके साथ रिस्पेक्ट और प्रेम का व्यवहार रखना। यहां पे मैं छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा, ब्रह्म कुमारीज के मेडिटेशन को मैंने कुछ समय तक फॉलो किया है, मैं अभी भी दिल से उनका रिस्पेक्ट करता हूं और बहुत सारी चीजें वहां से फॉलो भी करता हूं। उनकी बहुत सारे ऑडियो वीडियोस इस तरह से बने हुए हैं जो आपको आपके सोल कंसेप्ट को एस्टैब्लिश करते हैं आपके अंदर। उस वाले ऑडियो को या वीडियो को, इस वीडियो के साथ मैं वो चीज जरूर आपको डाल के शेयर करूंगा और आप उसको फॉलो करें। उस एक गाइडेड मेडिटेशन की तरह से वो होता है और वो आपको आपके सोल कंसेप्ट में एस्टैब्लिश करता है। मैं आपको वही इस वीडियो की फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी बात ज्ञान जहां से अच्छा मिले तो ले लेना चाहिए और सभी का रिस्पेक्ट दिल में रहे। इसलिए अगर आपको वो चीज अवेलेबल हो सकती है तो आप जरूर लीजिए और उसका फायदा उठाइए। मैंने उसका बहुत 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 बेनिफिट उठाया और मैं इस बात के लिए उनका दिल से शुक्रगुजार हूं। तो ये जो सोल का कंसेप्ट है, अपने आप को इस उस क्वालिटीज में एस्टैब्लिश करना और अपने आप को याद दिलाते हुए
वापिस उसी चीज को प्राप्त कर लेना, यही अफर्मेशन की पावर से मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं दुख सुख मान अपमान को एक जैसा समझता हूं। अब देखिए ये बड़ी मजेदार चीज है, हम सुख तो चाहते हैं, दुख से हम छूटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। जबकि मजा यह है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये डिफॉल्ट है, सुख आएगा तो दुख साथ में आएगा ही आएगा। कोई ये ना कहे कि मुझे सिर्फ सुख चाहिए। सुख और दुख एक ही चीज के दो पहलू हैं, मान और अपमान एक ही चीज के दो पहलू। अगर आज मान हुआ है तो कल अपमान भी हो सकता है। इसलिए जो जिनको थोड़ी सेंस है, इस चीज की समझ है, वो इस चीज में बहुत ज्यादा अपने आप को, जब खुशी होते तो बहुत खुश नहीं होते और जब दुख आता है तो बहुत दुखी नहीं होते, वो दोनों में एक जैसा व्यवहार रखते हैं, एक जैसा भाव रखते हैं। इट्स ए बिग थिंग, इट्स ए सोल कंसेप्ट। अगेन कई लोग खुशी में इतनी खुशी मनाते हैं, इतनी खुशी मनाते हैं, क्योंकि कब वो खुशियां मातम में बदल जाएं, वी डोंट नो। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि खुशी मत मनाओ, मैं ये कह रहा हूं कि सब कुछ समझते हुए, अच्छे से जानते हुए उस चीज को एंजॉय करो, लेकिन बहुत ज्यादा उस चीज में ये मत समझो कि दिस इज एवरीथिंग। ये समय भी बीत जाएगा, वो भी बीत गया, नेगेटिव वाला बीत गया तो पॉजिटिव भी बीत जाएगा, पॉजिटिव बीत जाएगा तो नेगेटिव भी बीत जाएगा। इट कीप्स यू ऑलवेज हैप्पी। बिल्कुल वैसे जैसे सिनेमा मूवी के अंदर बैड सीन्स भी आते हैं जहां पर आप बड़ा लो फील करते हो, मूवी में अच्छे सीन भी आते हैं जहां आप बड़ा एनर्जेटिक फील करते हो क्योंकि आपका हीरो जो है वो जीत रहा है, यहां पर आप जीत रहे हो या आप हार रहे हो, क्या सच में इस बात से फर्क पड़ता है क्या? ये बस एंजॉय करने की चीज है। जिसको जीवन का ये राज समझ में आ गया ना, उनकी मुस्कुराहट फिर कोई नहीं छीन सकता। इज दैट सिंपल। मैं सुख दुख मान अपमान को एक जैसा समझता हूं। आप इसमें सारे बाकी के पेयर भी कंसीडर कर सकते हो, हानि लाभ को भी कंसीडर कर सकते हो, वो भी एक लेवल पर जाके एक जैसे होते हैं। वहां पर बीमारी और स्वास्थ्य भी एक जैसा होता है, वहां पर जिसको आप पुण्य और पाप बोलते हो वो भी एक जैसा होता है, क्योंकि आप इस ड्युअलिटी से ऊपर उठ जाते हो। लेट्स ट्राई टू रीच दैट स्टेज। वो आपके सोल कंसेप्ट से थोड़ा और क्लियर होगा। मेरा स्वभाव मिलनसार है, मैं सभी से मिलना पसंद करता हूं, लोगों की तारीफ करना मेरा सदा की आदत है, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे तारीफ अच्छी लगती है तो उसको भी जरूर अच्छी लगती होगी, जरूर अच्छी लगती होगी। इट्स दैट सिंपल। मेरे व्यवहार से सभी लोग बहुत खुश रहते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपना व्यवहार सभी से खूबसूरत रखूं, अच्छा रखूं, और मेरे व्यवहार से सभी लोग खुश हो सके, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहती है। मैं अपने सभी कार्य बहुत ही सुंदर तरीके से करता हूं, अपने तरीके से मैं बेस्ट परफॉर्म करता हूं, और मैं सभी के प्रति नम्रता का भाव रखता हूं। अब नम्रता या ह्यूमिलिटी एक ऐसा गुण है जिसके अंदर बाकी सारे गुण उसकी ओर खींचे चले आते हैं। एक नम्र स्वभाव माने एक बिल्कुल हम्बल इंसान जो है वो ऐसा हो जाता है जैसे एक ब्लैक होल है, और ब्लैक होल के अंदर इतनी पावर होती है कि वो बड़े बड़े सूर्यों महासूर्यों को भी निगल जाता है। इतनी पावर होती है उसके अंदर। वो खैर एक साइंटिफिक फैक्ट है, मैं उस तरफ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि इसी तरह एक नम्र इंसान के अंदर, एक हम्बल इंसान, हम्बलनेस जिसके अंदर है, उसके अंदर ये गुण ऐसा होता है कि उसके अंदर बाकी के सारे गुण अपने आप उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो मैं आपको याद दिलवा दूं ये वाली बात कि लेट्स ट्राई टू अडेप्ट दिस क्वालिटी, ये हम्बलनेस का गुण हम अपने अंदर अडेप्ट करने की कोशिश करें, इसको आत्मसात करें, अपने अंदर प्रोड्यूस करें। और इतनी पावर है इसके अंदर, इस गुण के अंदर। ये गुण आपको, ये हम्बलनेस जो है, ये अगर हमारे अंदर मौजूद है तो सब कुछ होते हुए भी हमारे अंदर ईगो नहीं आती, और ईगो नहीं आती तो फिर जो पीछे बचता है वो सबका कल्याण करने की बात ही हमारे अंदर हमेशा रहती है। तो इस तरीके से आप अपने लिए जो है अच्छा, अपने आप बिहेवियर, एक अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनैलिटी आप अपने आप को बना सकते हो, मानसिक शक्ति के द्वारा, माइंड पावर के द्वारा, इस तरह के अफर्मेशन दे देकर आप अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हो। इस तरह से ही मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कि ये अफर्मेशन आपने अपने लिए तैयार करने हैं,
और इनको अपने जीवन में इस्तेमाल भी करना है। इसके बाद मानसिक शक्ति से अच्छी पढ़ाई। पढ़ाई के लिए भी इन अफर्मेशंस का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं अपने हर काम को पूर्ण एकाग्रता के साथ करता हूं। इसके लिए मेरी साइट पे बहुत सारे अफर्मेशन दिए हुए हैं, mindguruindia.com पर बहुत कुछ डिटेल में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई का एक बेस ऐसा पहलू है जो बेहद जरूरी है। हर काम को पूरी एकाग्रता से करना, किसी भी काम में एकाग्रता, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, जो आप पढ़ें वो याद रहे और जो काम करें उसमें पूरी एकाग्रता हो, ये दो चीजें अगर आपको मिल गई तो चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के अंदर अपने पावर आपने डिवेलप कर ली, तो बाकी सब तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। स्टडीज आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देंगी। तो मैं अपने हर काम को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ करता हूं। कॉन्सेंट्रेशन मेरे काम में लाना मेरे लिए बहुत ईजी है। कॉन्सेंट्रेशन से मेरी मेंटल पावर बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन से मेरी एबिलिटी बढ़ रही है, मेरी कुशलता बढ़ रही है, मेरी मेमोरी जो है वो फोटोग्राफिक है। आप अपने आप को ये संदेश दे रहे हो, अपने मन को बता रहे हो कि जो चीज आपके सामने आ रही है उसको कैप्चर कर लो। मेरी मेमोरी फोटोग्राफिक है, मैं जो देखता हूं उसको अपने आंखों से कैप्चर कर लेता हूं। मेरी याद रखने की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। ये ध्यान दीजिएगा, मैं फोटोग्राफिक मेमोरी हमने डेवलप करने की कोशिश की है बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे बच्चों को बोला है कि अफर्मेशन रात को सोने से पहले अपने आप को दो। वो रूल सेम है, ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको पहले रूल बताया वो सबके लिए सेम है। यहां मैं सिर्फ आपको अफर्मेशन याद दिलवा रहा हूं कि ये अफर्मेशन आप पर क्या से प्रभाव डालेंगे। मेरी याद रखने की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है, मैं कैलकुलेशन बहुत जल्दी और सही कर लेता हूं। ये अपने आप को अफर्म कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर लगता है कैलकुलेशन से, मैथ से डर लगता है। मैं अपने मस्तिष्क का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहा हूं, मैं अपने अवचेतन मन मेरी सारी समस्याओं का समाधान देता है। ये आप ट्राई करके देख लीजिए अपने जीवन में, जहां कोई प्रॉब्लम अटके अपने रात को अपने सबकॉन्शियस को बोलकर सोइए कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे पता है तुम्हारे पास है, अभी मैं ये तुम्हारे ऊपर पूरी तरह छोड़ता हूं, मुझे पता है तुम इसका सोल्यूशन जरूर ला कर दोगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है, एक बार नहीं सैकड़ों बार किया हुआ, कि वो सोल्यूशन अंदर से निकल कर आता है, एक स्प्लैश होती है कि वो सोल्यूशन आंखों के सामने ऐसे आकर खड़ा हो जाता है। तो मानसिक शक्ति का प्रयोग अच्छी पढ़ाई के लिए आप कर सकते हैं, जीवन में जो एकेडमिक्स, जो चीज आपने चूज करी, जहां आप पहुंचना चाहते हैं वो आप जरूर पहुंच सकते हैं। समस्याओं का, किसी भी टाइप की समस्या का समाधान हमारे मन के पास है, हमारे माइंड के पास है। खोई हुई चीज अगर आपको प्राप्त करनी हो तो सिर्फ अपने आप को याद दिलाइए कि वो चीज मुझे पता है, मेरे मन को पता है कि तुम जानते हो कि वो चीज कहां पर है, प्लीज गेट मी बैक, वो चीज मुझे वापस ला कर दो। जैसे मैंने पहले कहा, ये जीनी है, ये जो मन है हमारा अवचेतन मन, ये जीनी की तरह से, इसको जो कहोगे ये करेगा, जो हुक्म मेरे आका, ये उस पर एकदम से टूट पड़ता है, वो चीज आपके सामने लाकर खड़ी कर देगा। लेकिन इस पर भरोसा करो, एक बार आपने इसको सौंप दिया ना, फिर अपने बीच में डांग मत अड़ाओ, माने कॉन्शियस से फिर सोचो मत उसके बारे में, पूरी तरह इस पर छोड़ दो एंड लेट इट वर्क, वो चीज आपकी चीज सामने आकर हाजिर हो जाएगी। मदद के लिए सही व्यक्ति का मिलना, कई बार हम प्रॉब्लम में होते हैं, कौन मेरी हेल्प करे इस चीज के लिए, तो ये अपने आप को फिर से याद दिलवाना, जैसे मैंने आपको कहा अपनी माइंड पावर अपने आप को याद दिलाते हो कि मेरे अवचेतन के पास हर समस्या का समाधान है, मेरा अवचेतन जानता है कि कौन सा व्यक्ति इस काम के लिए पूरी तरह फिट है, और वो व्यक्ति मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरी ओर खींचा चला आ रहा है और मेरी हेल्प कर रहा है। कोई साधन अगर मुझे इसके लिए चाहिए, वो साधन मेरी ओर खिंचा चला आ रहा है और मेरा काम ऑटोमेटिकली बन रहा है। ऐसे करके आप अपने आप को जो भी समस्या हो जीवन की, अपनी माइंड पावर से सोल्व कीजिए, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए दोस्तों, मैं ये जितने भी अफर्मेशन थे इसको मैं आपको इसीलिए मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दे देकर समझाने की कोशिश की है कि आप इन अफर्मेशन के द्वारा अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं, पाइए, और
माइंड पावर की जो बाकी टेक्निक्स भी जैसे मैंने आपको बताया, वो आप जरूर उनका इस्तेमाल करें और अपने जीवन में और खुशहाली लेकर आए और आनंद लेकर आए। किसी भी तरह से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को मुझे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। नाउ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा, और बहुत सारे जो अप्रिसिएशन आप लोग देते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में, आप मेरे वीडियोस को लाइक करके, मेरे इन वीडियोस को शेयर करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटिए, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि उसने जो मुझे दिया है वो सब तक पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। तो थैंक यू वेरी मच। मेरी साइट mindguruindia.com पर और ऐसे बहुत सारे ऑडियो और वीडियो अवेलेबल हैं, इनको आप जरूर इनको जो है आप अपने यूज कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।